छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला देने वाले बस्तर में झीरम घाटी हत्याकांड को 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या यह केवल नक्सलियों की आतंकी साजिश थी जिसमें प्रदेश कांग्रेस का तत्कालीन नेतृत्व ही मिटा दिया गया। आज सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम हमले में मारे गए शहीदों को नमन किया। उन्होंने बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम करने की घोषणा की। राजीव भवन में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, आज से ठीक 8 साल पहले एक भयानक दुर्घटना घटित हुई। झीरम हमले में हमारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए थे। आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। उनकी दूरदर्शिता हमको आज भी प्रतिदिन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम उन जवानों को भी नमन करते हैं जिन्होंने उस काले दिन अपनी जान गंवाई। साथ में अब तक नक्सलवादी हिंसा में जान गंवाने वाले जवानों और नागरिकों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। झीरम श्रद्धांजलि दिवस घोषित किए गए इस दिन पर प्रदेश के सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNX TV, रायपुर। इधर मुखियाजी जी, दिनेश पटेल जी, गोविंद शर्मा जी, दिलीप सैको हमारे नागरिक मित्र परिवर्तन यात्रा में निकले थे। झीरम घाटी में नक्सल हमले का जो एक राजनीति प्रभावित षड्यंत्र था, उसकी शिकार हुए हमारे प्रथम पंक्ति के हरे नेता लाल बिहारी सुनावे की ईश्वर हत्या हुई है। नेताओं के आगे हम सब के मन में है राजनीतिक मुसलधार वहां किया गया, लेकिन उन आत्माओं के जीवन को नहीं पाया है। उस षड्यंत्र से पर्दा उठाने में सब लोग उसे बनाने की इच्छुक है, लेकिन आप सब जानते हैं अनेक बाधाएं हैं और इन बाधाओं को हम लोग दूर करेंगे और सच के सामने